Well, we were shooting in the national capital and I happened to stumble across a sabzi mandi, and I thought let me just quickly check what are the rates and if the border ceiling issue has impacted or has caused a spike in the prices of vegetables and fruits. So I'll speak to some of the vegetable sellers and vendors and fruit sellers and vendors, and let's see what they have to say, and let's have a look if really the prices of vegetables and fruits have indeed spiked. अभी ये प्रोटेस्ट के चलते कुछ दिक्कतें आ रही है कीमतों में? हाँ जी भैया, जैसे अब जैसे फ्रूट जो आता है, बट इसमें हम गाड़ी जो अधिकतर घुमा के आ रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो रही है। इसके अकॉर्डिंग अन्य जैसे फल है उनमें कीमतों में काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। इसके थ्रू ग्राहक भी बहुत कम हो चुके हैं। ग्राहक आगे माल कहते हैं इससे बनना तो मेरे घर के आगे मिलता है, बट तुम बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे हो। कौन सा फ्रूट सबसे महंगा हो रहा है? यह अमरूद है, पपीता है, किन्नू है और सेब भी है। नहीं तो 10-10, 20-20, 30 रुपये कितना बड़ा महंगा हुआ है? नहीं भैया, 20 मिनिमम 20 के अंदर से ऊपर हो चुका है। 20 से 30 रुपये पर किलो महंगा हुआ है। तो सीजन में तो महंगा होता ही है सामान, तो अभी क्या क्या रेट बढ़ा हुआ है? लहसुन, नींबू, शिमला, खीरा, बैंस। अच्छा, और जैसे कि क्यों बढ़ रहे हैं? 2-3 कारण पता है? ये बॉर्डर सेल। अच्छा, उसकी वजह से थोड़ा बड़ा है। और वैसे भी सीजन में होता ही होता है। हाँ, सीजन में होता है। और क्या सब्जियां तुम बेचते हो और कौन सी बढ़ रही है? यही अदरक। तो ग्राहक कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे कि आ रहे ग्राहक? कम है, बहुत कम है। हाँ, मंडी वैसे पूरी फुल रहती थी। हाँ, मंडी वैसे पूरी भरी रहती थी। हाँ, नहीं, इस सीजन में थोड़ा समय पे कम रहता है। Well, yes, as you heard, the two vegetable vendors that I spoke to, the prices have increased. The footfall at the mandis have reduced because the prices have hiked a little bit. But due to also seasonality, the prices of vegetables and fruits does rises. But yes, the impact of farmer protest has definitely led to some of the prices of some commodities hiking.